आज हम अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाएंगे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के J&K चेयरमैन राहुल साहेब जी से, और उनसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके वर्किंग के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका। सो गाइस, राहुल CII के आप यहाँ के J&K चेयरमैन हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है कि किस हिसाब से वर्किंग करती है, कि इंडस्ट्रीज के जो आप इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उनके बेनिफिट्स की या उनकी भलाई के बारे में आप क्या वर्किंग करना चाहते हैं? देखिए संजय जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर आगे जा रहा है। देखिए, जहाँ तक कन्फिडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात है, CII एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जो इनकी पूरी ब्रांचेस सारी सिटीज में इंडिया के जो भी शहर हैं हर जगह है, और ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न, साउदर्न और वेस्टर्न रीजन में डिवाइडेड है। जो CII का मेजर मेन काम है वो ये है कि वो इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के भलाई के लिए, इंडस्ट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए पैन इंडिया का एक्सपीरियंस हर स्टेट तक पहुँचाते हैं। जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, J&K गवर्नमेंट को अगर कुछ सजेस्ट करना है तो वो करती है। जैसे आप अभी स्मार्ट सिटी की पॉलिसी ले लीजिए, CII सजेस्ट करता है पॉलिसी की स्मार्ट सिटी कैसे बनाई जाए, गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है। हमने म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर को पॉलिसी दी, डॉक्टर निर्मल सिंह को हमने पॉलिसी सजेस्ट की कि आप कैसे स्मार्ट सिटी में ले सकते हैं आगे। इट इज़ अवर सजेशन। CM साहिबा ने हमें 2 दिन बाद बोला कि आप हमें सजेस्ट की, हमने उनको सजेस्ट किया। तो ये एक मैक्रो लेवल पे CII काम कर रहा है, जिससे आपसे सजेशन लेते हैं या आपको कंसल्टेशन के लिए बोलते हैं। जरूर, जैसे अगर उनको कोई भी लिटिगेटिव में कुछ आगे बढ़ना है, जैसे आप बोलते हैं कि हमें हमारी स्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक ये है आपके, इसमें हम वो सजेस्ट करते हैं। बिकॉज CII के पास हर स्टेट में अपना सेक्रेटरीट है जो फुल फ्लेज विद दी नॉर्दर्न रीजन सेक्रेटरीट उनकी रहनुमाई में काम करता है और पूरी नो हाउ है कि बाहर क्या चल रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए। तो ये सारी इसमें लेटेस्ट वो अपडेट रहता है, वो अपडेट रहता है। CII ने GST के लिए बहुत काम किया है, 200 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस तक CII पहुँचा है। ये तो सेमिनार होते हैं, उसमें काफ़ी लोगों ने फायदा लिया है, और 200 सेमिनारों में किया होगा जिसमें 20,000 जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट किया होगा। GST के बारे में बताया कि कैसे GST में आपने आगे बढ़ना है। ये CII के मेजर, और CII का इतना वास्ट फील्ड है, टूरिज्म, स्मार्ट सिटी, GST, मतलब आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए CII अपने आगे बढ़ चढ़ के काम करें। GST की आपने बात की, GST जो हमने हमारे स्टेट में लागू किया है जी, तो आपको क्या लगता है कि ये एक हमारी इंडस्ट्री से भी खासकर तो क्या सिद्धर बनने वाला है, क्योंकि इंसेंटिव यहाँ पर नहीं आए जो थोड़े बहुत इंसेंटिव अभी उन्होंने घोषणाएँ की हैं, तो वो भी लगता है कि उनके मुंह दिया ऐसे बात है। सुनिए जी, पॉइंट आपका बहुत ही वैलिड है GST का। देखिए, GST अब जो हर गवर्नमेंट का अपना अपना हिसाब है, जैसे आपने BJP गवर्नमेंट का सेंट्रली देखा, पहले तो ये सब में नहीं थे कि हम इंसेंटिव दें, पर हमने सबने 3 स्टेट्स ने, मैं कहूँगा हिमाचल, J&K और उत्तराखंड ने, जो इनको काफ़ी बोला कि आप ये इंसेंटिव ऐसे नहीं ले सकते जो आपने कमिट किया है इतने साल के लिए, तो वो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उस पर फिर काफ़ी मीटिंग्स हुई, नीति आयोग में हम भी गए और डेलीगेशन हुई, उसमें ये निकला कि नहीं, हम आपको ये इंसेंटिव दे रहे, बट वो बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। J&K का केस थोड़ा डिफरेंट है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बट जो बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े, कितनी देर तक हम इंसेंटिव लेके आगे चलते रहेंगे। बट हाँ, J&K में हम इंसेंटिव के बगैर नहीं चल सकते, बिकॉज एक हेड एंड यहाँ रॉ मटेरियल आना है, यहाँ से बना के हमें आगे डिस्टर्ब स्टेट है। बट साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, हमारी इंसेंटिव पैकेज में कुछ ऐसे फ्लॉ रहे हैं जिससे कुछ फ़ायदे लेने वाले लोग अलग से फ़ायदे लेंगे और जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज है उसको बड़ी तकलीफ हुई। उनको जानकारी देते हैं इंसेंटिव क्या होते हैं।
जैसे आप मनकोल या जो बाकी बहुत यूनिट्स हैं जो आप जानते हैं जिनकी वजह से बाकी वो, अब इस वक्त हमने गवर्नमेंट ऑफ जेएनके से भी और सेंटर से भी दी है कि आप काइंडली कोई फ्लॉ मत छोड़िएगा, आप जो भी हमें दें वो ऐसा दें ताकि जो जेन्युइन इंडस्ट्रीज है उसको फायदा रहे और वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रहे। जहाँ तक रिसेंटली की आपने सेंटर की बात की, सेंटर ने कुछ अनाउंस किया है बट वो अभी तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं आई, नोटिफिकेशन आएगी देन स्टेट हमारी उस पर आगे काम करेगी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से इंडस्ट्री को जाना पड़ेगा या बड़ी डिस्करेजमेंट है, मुझे ऐसी गट फीलिंग है अच्छा ही होगा जहाँ तक मुझे। जीएसटी की बात कर रहे हैं हम तो जीएसटी में जो रिटर्न वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखे हैं उसके लिए जो छोटा ट्रेडर है वो बहुत परेशान है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ सजेशन देंगे? बिल्कुल दिए थी, हमारी पीछे अभी मीटिंग थी जिसमें हमने ये सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को खिदमत सेंटर जो उन्होंने बनाए थे उनके साथ बाहर आना चाहिए, एक पॉलिसी लानी चाहिए, बेशक वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें या वो अपने खिदमत सेंटर बनाएं ताकि जितने भी छोटे व्यापारी छोटा इंडस्ट्रीज जो फीस ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से है। टोल का मुद्दा बहुत बना हुआ है मुझे तो, अगर क्या लगता है अगर गवर्नमेंट टोल हटाती है तो जस्टी का क्या होगा? एज पर माई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एक साल तो टोल हटाएगी नहीं, गवर्नमेंट भी ये देख रही है कि जीएसटी में उनको कितना रेवेन्यू आए और वो दो चार महीने रेवेन्यू आ जाए उसके बाद वो उस पर डिसीजन ले। मुझे नहीं लगता कि मार्च से पहले उसके कोई डिसीजन ले। और जो हमारी डेलीग्रेशन हुई गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली ये बोला है कि टोल जो है वो इंडस्ट्री का सेफ कार्ड है और इंडस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के फायदे आप जानते हैं कि क्या है, एम्प्लॉयमेंट आती है, मेजर एम्प्लॉयमेंट का है, रेवन्यू है। और अब तो चलो जीएसटी में अगर हम देखें तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, इनपुट है आउटपुट है तो अच्छे तरीके से वो चलने वाला है। बट अगर हम इसकी बात करें टोल की तो गवर्नमेंट ने एक बात और बोली है, जो इंडस्ट्रीज जेएनके में हैं ट्रेडर और इंडस्ट्रीज इकट्ठे बैठ जाए वो ये तय कर लें कि ये इंडस्ट्री जेएनके में है इस पर आप टोल रखिए, बाकी रैशनलाइज कर लीजिए। और गवर्नमेंट एग्रीड है रैशनलाइज करने में, गवर्नमेंट फंसी नहीं है कि हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, वो कहते हैं हम रैशनलाइज कर सकते हैं बृहस्पत, वो पहले ये बोल रहे हैं कि आप दोनों इकट्ठे बैठ जाइए ट्रेडर्स और इंडस्ट्रीज और आप हमें सजेस्ट कीजिए कि ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं और इन प्रोडक्ट्स पे आप रखिए बाकियों पे आप कम करें। तो उस हिसाब से मुझे लगता है फेयर एनफ, अगर गवर्नमेंट ने आगे आके बोला है तो उनको हमें वैसा सजेस्ट करना चाहिए। करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर हमें जे के स्टेट में, खासकर डिपार्टमेंट्स में कोई भी फाइल करप्शन क्लियर कर मुद्दा है, उसके ऊपर आपकी ऑब्लिगेशन क्या काम करिए? कहीं चले जाएँ किसी डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज के किसी डिपार्टमेंट में चले जाएँ, कोई भी काम होना हो तो पहले ही वहाँ पर एजेंट्स बैठे होते हैं, पावर डिपार्टमेंट ले रहे हैं से कहीं आप चले जाएँ आप दिल्ली की तरफ अपने फाइलें जो है कई कई महीने पड़ी रहती हैं लोगों की, जो करेक्शन ही लगते नहीं तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगी, करेक्शन के लिए पहले उनको एजेंट ढूंढने पड़ते हैं उसके बाद उनके कनेक्शन करते हैं, इतना बुरा हाल है तो इंडस्ट्री कहाँ से सर्वाइव करेगी। वेरी ट्रू सर, वेरी वेल टेकन दिस पॉइंट। ये सजय जी करप्शन का जहाँ तक मसला है आप जानते हैं ये बहुत ही डीप रूट है, इसका जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हल देख रखा है वो ये है, हम तो ईज ऑफ डूइंग जो डूइंग पे विश्वास रखते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा जीएसटी के बाद आप लोकल डिपार्टमेंट्स की हालत जानते थे पहले कितने थे, आज जीएसटी रिटर्न आप अपने एक क्लिक पे अपने कंप्यूटर में भेजना है, कितने लोग कितने वकील कितना सब कुछ जो है वो सिस्टम से साइड लाइन। तो मेरे हिसाब से करप्शन का एकमात्र हल है दैट इज कॉल्ड, आप इसको जितना आईटी बेस करेंगे जितनी कंप्यूटराइजेशन करेंगे उतनी कम होगी, ये करता है ये करता है, मुझे लगता है हम इस पर काम करें कि हम कंप्यूटराइजेशन की तरफ ध्यान दें, गवर्नमेंट को बोले आप हर डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज करें, पॉल्यूशन बिजली डिपार्टमेंट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, हालांकि गवर्नमेंट बड़ी कीन है कि वो इस बार इनको टाइम फ्रेम को सेट करना चाहिए कि ये फाइल जो है कितने टाइम पीरियड में इसको यस का नो होना ही चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि अपने पास रख लेते हैं फाइल। डिले टैक्टिक्स, डिले टैक्टिक्स का मतलब यही होता है कि क्यों डिले टैक्टिक्स हो रही है सब जानते हैं क्यों। देखिए मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, जीएसटी में सपोज
जो ऑडिट आया है, जो नई पॉलिसी आ रही है, जहाँ तक मैंने सुना, अगर किसी का कोई केस फिक्स हो, देयर इज अ टाइम लाइन कि आपने इतनी देर में उसका फैसला लिख के देना ही देना है एंड दैट इज ऑनलाइन, तो उसमें क्या ही कोई करे। और दूसरा एक मसला हमने इनको एक और सजेशन दी थी कि जैसे बाहर की स्टेट्स में ये होता है, कोई नई इंडस्ट्री आई उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बोर्ड या डिपार्टमेंट बनता है। मैं अभी पीछे हमारी सीआईए की नॉर्थन रीजन की मीटिंग में गया, वहाँ पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए थे मिस्टर बादल, उन्होंने उनके साथ एक आईएएस ऑफिसर थी मैडम, वो सिंगल विंडो क्लियरेंस उन्होंने अलग विभाग बनाया है, उसकी हेड थी, चीज आईएएस और वो उसकी हेड थी, और उन्होंने लोगों को बताया आप आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, पावर पॉल्यूशन एनीथिंग इंडस्ट्रीज से आपको सारी पॉल्यूशन इन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट मिलेगी। ये तो हमारे यहाँ भी होता रहा है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो मैं यही हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हम इनको गवर्नमेंट को सजेस्ट करें कि आप ऐसा ही कुछ बनाइए ताकि हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की है, ऐसी बात नहीं है, बट ये डिपार्टमेंट आई थिंक सी एम मैडम ही इनिशिएट करें तो हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल पर काम करेगा, आपने बताया इसको उठा सकते हैं जी अपने प्लेटफॉर्म से जी बिल्कुल उठाएंगे सर। तो आप अपने बारे में बताएं कुछ। देखिए संजय जी, आप भी मुझे जानते हैं, जम्मू में ही रहा, जम्मू में ही पढ़ा हूँ और जम्मू में ही बिजनेस किया। सन ऑफ मिस्टर राम सहाय, लेट श्री राम सहाय, जो बहुत बड़े सीनियर हैं जी जम्मू के, तो उसी लेगेसी को आगे लेते हुए जितना भी टाइम दे पाता हूँ ऑर्गेनाइजेशन को देता हूँ, जस्टिफाई करता हूँ जो काम ठीक हो जाए अपने काम के साथ। हम भी यही हुआ करते हैं कि आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ें और अपने शहर का नाम रोशन करें। सो नाइस, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राहुल सहाय, CII के JNK चेयरमैन, जिन्होंने बहुत उत्साह से अपने सारे सवालों के जवाब दिए। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद।